रनवे के पास जल निकासी के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित एयरफोर्स और वन विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एयरपोर्ट के अंदर रनवे के पास तीन जगहों पर लगने वाली पानी की निकासी के संबंध में चर्चा की गई और वन विभाग के क्षेत्र में जल निकासी को लेकर संबंधित अधिकारी से विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पानी लगने वाले क्षेत्र का सर्वे कराकर एस्टीमेट बनाया जाए, उसके बाद उसे शासन को भेजकर कार्यवाही की जाएगी। हमारी तरफ से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, यहाँ तो प्रपोजल जो बनता है कार्य संस्था को बनाना पड़ता है, कुछ उसमें सर्टिफिकेट साइन होते हैं वो हम लोग करते हैं और उसके बाद ये जाता है सीधे पहले नोडल पे जाएगा, फिर राज्य स्तरीय कमेटी इस पर डिसाइड करती है, फिर भारत सरकार जाता है। तो अगर बिल्कुल थोरली प्रोसेस चलता रहा तो 3 महीने में परमिशन मिल जाता है। मतलब फिर हमारा जो है मई जून तो आ ही जाएगा, फिर हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको तत्काल में जो डीएम साहब का निर्देश है करना है। तो एक पॉइंट यहाँ वाला है जहाँ फॉरेस्ट का कोई इशू नहीं है, ये 300 मीटर का करीब है, तो इस 450 का, तो इसका मतलब अभी पीडब्ल्यूडी जो आप बना रही है तो उसके हिसाब से इसका पक्के नाले का 400 मीटर 450 मीटर का यहाँ वाला था, तो यहाँ भी फॉरेस्ट का इशू था जो है। इसके लिए फिर आपका ये कहना था कि हम दो जगह नहीं कर सकते, तो इसको डाइवर्ट करके हमको इसी में करेक्ट करना पड़ेगा। ये भी करीब करीब जो दूरी पड़ रही है, तो इधर लाने की बजाय इधर हमारा स्लोप इधर को तरफ डाल दें, इसमें कनेक्ट कर दे तो हमारा सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसमें सर्वे करा के देख लें कितना देर हमको जाना पड़ेगा, पता है कहाँ कहाँ होना है, क्या होना है, उसका सारांश बता दीजिए। आज की कार्रवाई जारी करिए मेरा दस्ता का। ये सर इसमें एक इशू यह आपसे भी बात होगी, आपसे और आज ही मैंने उनका निरीक्षण करवा लिया है और मैंने काफी निर्देश दिए हैं उनको, उनको लेके जाइए करवा दीजिए। कैसे करेंगे देखते हैं। आदेश बना दो इसमें यहाँ से जो इधर वाला जो एरिया जा रहा है इसके किनारे किनारे जो है पाइप डाल देना, या आपका ये कहना था कि इतनी जितनी जगह आप टून पाइप या पक्का नाला बनाएंगे उतनी हमको सरकारी जमीन एफसीए में सब जाएगा। रिजर्व फॉरेस्ट है यस सर, तो फिर कंपन भारत सरकार जाएगा। हां सर, अंडरग्राउंड टून पाइप के लिए क्लियरेंस चाहिए पड़ेगा, भारत सरकार जाएगा या यहीं होगा स्टेट सर, पता कर लो, मुझे लगता है स्टेट में होगा।